हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा जी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका 29th को जो एडवांस पैटर्न हुआ है उसका पेपर टू और केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन हम बच्चों यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। सबसे पहला क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री से है और आपको क्या दिया गया है, तीन सोल्यूशन को मिक्स किया गया है। किस किस को? आपके पास था 400 ml 0.1 मोलर HCl है आपके पास, और क्या है आपके पास 500 ml 0.1 मोलर नहीं है, 0.3 मोलर आपके पास है बच्चों H2SO4। और आपको जो दिया गया है वो है आपके पास 100 ml 0.1 मोलर आपको दिया गया बच्चों KNO3। और आपको क्या पूछा गया है कि भाई इन तीनों को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में बच्चों H+ का कॉन्सेंट्रेशन, क्लोराइड का, सल्फेट का और अपना पोटासियम का आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? अब भाई मान लो मुझे अगर H+ का चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि H+ के मिलाने के बाद टोटल मोल्स कितने हुए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अगर लीटर में करें तो हम, ठीक है, तो आपकी मोलारिटी आ जाएगी यहां से। तो यहां से अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले वाले को अगर देखें तो वहां से आपको H+ के कितने मिलेंगे। तो अगर आप लिखो कि मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स बाई वॉल्यूम, ठीक है, अगर आप यहां से एन कैलकुलेट करोगे तो आपके बच्चों यहां से कितने जाएंगे, 40 मिली मोल्स। ठीक है, आपके 40 मिली मोल्स हो जाएंगे। यहां से अगर आप H+ के निकालोगे, H2SO4 है तो एक से बच्चों दो मिलेंगे, राइट भाई, 2H+ सल्फेट तो आपको दो मिलेंगे एक से, तो 0.3 × 2, तो यहां से आपके जो मिली मोल्स आएंगे 0.3 × 2 × बच्चों कितना हो जाएगा 500, और ये कितना हो गया बच्चों आपका, ये हो गया आपका 300 मिली मोल। अच्छा, यहां से H+ आपके पास आएगा नहीं, तो H+ के लिए हमारे पास वहां 2 से H+ आ रहा है तो आप लिखोगे क्या, टोटल कितने मिलीमोल्स हो गए आपके पास, हो गए 340 मिलीमोल। और आपके पास वॉल्यूम अगर देखो तो 400 500 100, पूरा 1000 ml हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मिलीमोल में इसको ml में रखेंगे तो आपकी यूनिट क्या है दोबारा बच्चों, मोल्स वॉल्यूम लीटर वाली ही रहेगी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो आपके पास आया 0.34, इतना कॉन्सेंट्रेशन बच्चों किसका आ जाएगा आपका, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां से आएगा। ठीक है, तो ए तो आपका गलत हो गया, आपको दिया हुआ है 0.19 लेकिन आएगा क्या 0.34। अच्छा, क्लोराइड का सिमिलरली निकाले तो हम, अगर Cl- का निकालोगे बच्चों तो Cl- कहां से मिलेगा अपने को, यहां से मिलेगा, जितने H+ उतने ही Cl-, तो 40 मिलीमोल्स आपके पास हैं, 40 बाई, और रिजल्टेंट तो बच्चों 1000 अपना क्या है ml सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये आ गया 0.04। ठीक है, ये आ गया बच्चों 0.04, तो बी आपका सही है। अगर आप निकालने जाओगे किसका, आप निकालिए नाइट्रेट का, तो अगर आप नाइट्रेट का निकालने जाओगे तो नाइट्रेट आपको यहां से मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहां से कितने मिलेंगे भाई, यहां से K+ और आपको NO3- मिलेंगे, कितने मिलेंगे ईच के आपको 0.100, तो आपको 10 मिलीमोल यहां से मिलेंगे बच्चों, तो 10 बाई 1000 आप करोगे तो 0.01, तो ये आपके हो जाएंगे बच्चों किसके, नाइट्रेट के। और जितने नाइट्रेट के होंगे उतने कितने होंगे, किसके होंगे बच्चों, K+ के होंगे। ठीक है, क्योंकि भाई ये क्या है आपका, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, तो यहां पे ये मत सोचना कि आपको एसिड बेस कोई रिएक्शन नहीं होनी है। ठीक है, तो आपका एसिडिक पड़ा रहेगा ये सॉल्यूशन, तो आपके H+ है, H+ हमने निकाल लिया सारे जोड़ के टोटल वॉल्यूम, तो H+ का आ गया, है ना, Cl- नाइट्रेट, और ये सारे सॉल्यूशन में ऐसे ही पड़े रहेंगे और हमें इन सबका कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है। तो आपका करेक्ट कौन कौन सा हो गया बच्चों, B, C एंड D, तो आपका ए ऑप्शन क्या था बच्चों, इसमें गलत था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू आप देखोगे तो आपको क्या बोला गया है कि भाई एडेनिन है आपके पास, ठीक है, C5H5N5, और वो क्या है, दैट अंडरगोज कंप्लीट कंबशन विद एक्सेस ऑफ एयर, तो अपने को बताना है इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, कैसे करेंगे, तो चलो भाई कंबशन कराते हैं, तो C5H5N5 ये आपने एयर दी, कंबशन कराया, आपका कार्बन चला जाएगा बच्चों CO2 में, कंप्लीट कंबशन है, और आपका नाइट्रोजन जाएगा N2 में। ठीक है बच्चों, प्लस आपको मिलेगी क्या, H2O। तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग करोगे तो भाई कार्बन 5 है तो इधर कर देंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन आपके 5 है, ये भाई N2 है तो 5/2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, आप क्या बच गया आपका, आपका बच्चा किसकी बच गई बैलेंसिंग, हाइड्रोजन की कर देते हैं भाई, 5 है इधर, इधर 2 है, तो ये हो जाएगा 5/2। ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से आपके पास 10 आ रहा है, 10 + 5/2, ठीक है बच्चों, 10 + 5/2, ये आ गया 25/2, और O2 है तो ये हो जाएगा 25/4। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है इसका। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका,
तो इसका इक्विवेलेंट वेट वुड बी इसका जो आपका मोलर मास है वो डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, अब एन फैक्टर इस प्रोसेस के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, कि यहां से जब ये बना तो टोटल चेंज देख लीजिए आप, ऑक्सीडेशन नंबर में देख लो या रिडक्शन में देख लो, भाई बराबर ही होगा। ठीक है, तो अगर अब यहां से तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपका कार्बन यहां से क्या है प्लस फोर में चला गया है, नाइट्रोजन आपका यहां से किसमें चला गया है जीरो में चला गया है, तो या तो आप यहां से देखो ना जो जो ऑक्सीडाइज हुआ है, या फिर हमें सीधा सीधा पता है कि भाई एच तो आपका प्लस वन में ही है, आपका ऑक्सीजन जो था जीरो में था और आपका इधर किसमें चला गया बच्चों ऑक्सीजन माइनस टू में चला गया है, तो हम यहां से सीधा निकाल लेते कितना ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन हुआ है, उतना ही अपना ऑक्सीडेशन में बढ़ा होगा। तो कितना हुआ है बच्चों एन फैक्टर निकालेंगे तो हम, तो हमने कहा एन फैक्टर आप यहां से निकालोगे तो हमने कहा यह 25/4, ठीक है, इतने मोल्स थे इनटू आपके एक में दो ऑक्सीजन और हर एक में कितना चेंज हुआ बच्चों ऑक्सीडेशन है ना, इसका दो से घटा है तो इनटू टू, तो आपका कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 25, तो आपका एन फैक्टर आ गया 25 और यहां से आप आंसर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों M/25 वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, एक बार आंसर्स भी देखते हुए चलते हैं ऐसा ना हो गलत हो जाए, तो आंसर्स भी एक बार मैच कर लेते हैं, हो सकता है इसी में गलत दिया हो। तो पहले में था बी सी डी बिल्कुल सही है, दूसरे में था सी। चलिए अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर थ्री आपका गैसीय स्टेट से है। ठीक है, रियल गैस इक्वेशन के बारे में कुछ सवाल जवाब इन्होंने पूछ रखे हैं, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, आपसे पूछा गया भाई कौन सा स्टेटमेंट क्या है वैन डर वाल्स गैस के लिए क्या है बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा क्या करेंगे यहाँ पे हम, अपने को पता है क्वेश्चन नंबर थ्री की बात हो रही है, अगर आप रियल गैस की इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखते हैं हम, पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स एन आर टी, आप एक मोल के लिए लिख लीजिए क्या हो जाएगी पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स बच्चों आर टी। ठीक है, अब अपने को क्या है कुछ, अब अपने को बताना है कि यार अगर प्रेशर की कंडीशन इसने कही कि वह बहुत लो होगा तो क्या हम वॉल्यूम वाली टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है ये वाली टर्म जो है बच्चों वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की करेक्शन टर्म है, और ये वाली बच्चों जो है बी, बी आपकी वॉल्यूम करेक्शन है। ठीक है, अब हमें यही बताना है कि भाई लो प्रेशर कंडीशंस पे क्या हम वॉल्यूम वाली को नेगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। इसे बच्चों आप कैसे सोच सकते हो कि आपका दो तरीके हैं, इसने बोला है कि भाई लो प्रेशर कंडीशन, ठीक है प्रेशर आपका कैसा है लो, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो भाई प्रेशर लो है तो क्या आप इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हो, पी प्लस ये वाली जो है टर्म आपकी ए बाई बी स्क्वायर, इसको नहीं कर सकते क्योंकि आपका प्रेशर क्या है लो है। ठीक है, अगर इसने बोला होता कि भाई बहुत ही ज्यादा लो है तब हम कहते वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हाई होगा तब इसको नेगलेक्ट कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है, लेकिन प्रेशर को इसने बहुत ज्यादा लो भी नहीं बोला है, लो प्रेशर बोल रखा है। ठीक है, तो अगर लो प्रेशर बोला बच्चों तो ए बाई वी स्क्वायर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वी माइनस बी को, ठीक है प्रेशर लो है तो वॉल्यूम को अपन हाई बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो बी होगा वो क्या होगा बच्चों इस वी की कंपैरिजन में आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो आपका यहां से अगर आप इसको लिखना भी चाहो तो यहां से आपका क्या आएगा बच्चों पीवी बाई आर टी इक्वल टू वन प्लस, मतलब बेसिकली जेड आपका वन प्लस समथिंग आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर आप जेड वर्सेस पी का ग्राफ बनाओ, ठीक है जेड वर्सेस पी का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपका क्या आता है बच्चों, तो आपका वो जिस तरीके से आता है तो लो प्रेशर कंडीशन पे क्या है आपका जेड लेस देन वन होता है। ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन पे, अब अगर मुझे सॉरी ये बच्चों लेस देन वन आएगा ना क्योंकि हमने ये अलग किए तो प्लस वाली बची तो वो उधर जाके नेगेटिव में कुछ घटेगा ही। अब लो प्रेशर कंडीशंस में ठीक है जेड लेस देन वन है, अगर मुझे यहां से लेस देन वन करना है, लेस देन वन करोगे तो क्या होगा, कैसे होगा लेस देन वन, इसको तो रिलेट करना पड़ेगा ना यार क्योंकि जेड होता है पीवी बाय आरटी, तो ये प्लस वाली जो है वो उधर जाके आपकी वन माइनस कुछ बनेगी है ना, इसको रिलेट नहीं करोगे तब तो क्या है ये बी वाली टर्म भी आएगी जो कुछ प्लस रहेगी। ठीक है, मुझे लेस देन वन चाहिए तो मुझे वन माइनस समथिंग चाहिए, तो मतलब हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और ये वाली आपकी नेगलेक्ट यहाँ पे नहीं होगी, ऐसे सोच सकते हो या तो। ठीक है, या फिर हमने देखा भाई लो प्रेशर वॉल्यूम हाई, लेकिन क्योंकि प्रेशर ही लो है तो इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, वॉल्यूम हाई है तो बी को इसकी रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं बच्चों नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम करेक्शन वाली को आप नेगलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो आपका ए हो गया सही, ठीक है, और बी वाला इसी का जस्ट उल्टा पूछ रखा है कि भाई वॉल्यूम वाली क्या है, वॉल्यूम करेक्शन वुड बी सिग्निफिकेंट, तो बच्चों सिग्निफिकेंट क्या है वॉल्यूम वाली आपकी नहीं होगी लो प्रेशर कंडीशंस में। अच्छा, बी इज फोर टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों अगर आप
देखो जो हम डेरिवेशन करते हैं तो उसमें अपना जो आता है बी, बी अपना क्या आता है बच्चों, बी अपना आता है वो कोवोल्यूम वाले से आप निकालोगे तो ठीक है, तो वहां से आपका आएगा 4 × 4/3 πr³ इंटू बच्चों आपका आता है Na, ठीक है। और 4/3 πr³ में आर क्या है बच्चों, आपका एक मॉलिक्यूल की आपकी रेडियस है, तो 4/3 πr³ में ये क्या हो गया बच्चों, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो गया, और ये एने लगाए तो ये एक मोल का वॉल्यूम हो गया, तो एक मोल के वॉल्यूम का 4 times आपका आ रहा है बी। यही तो लिखा है कि बी विल बी 4 times वॉल्यूम ऑफ 1 mole ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये बिल्कुल सही है ठीक है। इसके डेरिवेशन में नहीं घुस रहे हैं अभी, है ना, लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये एक्सप्रेशन निकल के आता है कोवॉल्यूम वाले से आप निकालोगे तो। अच्छा चलिए, तो हमारा सी बी क्या है बच्चों, सही है। डी ऑप्शन देखते हैं, एट वेरी लो प्रेशर आइडियल बिहेवियर इज ऑब्जर्व। अच्छा अब इसने क्या है, वेरी लो बोला है बच्चों, ना वेरी लो बोला है तो मान सकते हैं वॉल्यूम क्या है, प्रेशर बहुत होगा तो वॉल्यूम वेरी हाई होगा, वॉल्यूम वेरी हाई होगा तो हम इस वाली टर्म को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं और इसको तो कर ही सकते हैं, तो यहां से आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों नेगलेक्ट हो गए हैं, वो बनेगी पीवी इक्वल्स टू आरटी। तो ये तो अपनी बच्चों आइडियल गैस की इक्वेशन बन गई है, तो एट वेरी लो प्रेशर बिल्कुल क्या होगा आपका, जो आपकी गैस है वो आइडियल की तरह ही बच्चों क्या करेगी, बिहेव करेगी ठीक है। चलिए तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है कि भाई डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर, इन दोनों में रिलेशनशिप पूछा हुआ है, तो हमें पता है अपना डी ग्लूकोज क्या होता है भाई, अपन डी और पहले ये बात कर लेते हैं डी कैसे डिफाइन करते हैं। तो बच्चों जो आपका ग्लिसरल डिहाइड होता है ना, ग्लिसरल डिहाइड के रेस्पेक्ट में हमने देखा, और फिर बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स उनको डिफाइन किया कैसे, कि भाई आपका सबसे नीचे वाला जो कार्बन है ना कायरल कार्बन, तो सबसे लोएस्ट चेन में सबसे लोएस्ट कायरल कार्बन पे अगर आपका ओ एच राइट साइड में है तो हम उसको डी बोलेंगे, अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको हम एल बोलेंगे। तो अगर आप ग्लूकोज देखोगे तो ग्लूकोज कैसा होता है भाई आपका, ग्लूकोज का अगर आप चेन वाले स्ट्रक्चर बनाओगे तो ओ एच, फिर आपका इधर ओ एच, फिर आपका एक और ओ एच बच्चो, और आपका सी एच टू ओ एच, यहाँ पे आपका एच, यहाँ पे आपका एच बच्चो, यहाँ पे आपका एच ठीक है। तो यहां से आप नंबरिंग करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6, ये तो कायरल है नहीं, है ना, H2O, ये वाला आपका क्या है बच्चों, कार्बन कायरल है, तो लोएस्ट वाला जो कायरल कार्बन है उस पे OH अगर राइट साइड में है तो हम कहते हैं भाई इसको डी है ठीक है। अगेन बच्चों ये डी और एल का मतलब ये नहीं है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को पीपीएल को राइट या लेफ्ट घुमाएगा, नहीं, ये केवल बस क्या बोल सकते हो आप, एक किसी से रिलेट करके, हमने क्या है एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव ये क्या नोमेनक्लेचर है, तो हमने ग्लिसरल डिहाइड में देखा कि भाई OH राइट में था तो डी है वो, तो उसी को हमने क्या बोल दिया कि ये वाला डी है ठीक है। अच्छा अब इसका क्या बोल रहा है ये कि इसका एल वाला कौन सा होगा, एल वाला अपना क्या होता है बच्चों, अगर आप एल ग्लूकोज की बात करोगे, एल ग्लूकोज बच्चों आपका होता है इसकी बिल्कुल मिरर इमेज ले लीजिए, जैसे ही आप इसकी मिरर इमेज लोगे आपके पास क्या होगा CHO भाई, अब मिरर इमेज में क्या होगा, जो मिरर से जितनी दूर है वो इधर भी मिरर से उतनी ही दूर होगा, तो ये आपका OH है तो इधर OH होगा, H आपका उधर जाएगा। सिमिलरली आप इन सबको बना दीजिए H OH OH H OH H और यहां पे बच्चों आ जाएगा CH2OH ठीक है। तो ये क्या है बच्चों आपका, अब इसमें देखो आपका OH क्या आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ठीक है। तो अगर ये हमारा D था तो इसी को हम बोलते हैं यार ये मेरी क्या है, ग्लूकोज की L फॉर्म है, और अगर इन दोनों में रिलेशनशिप की बात करोगे आप तो ये स्टीरियो आइसोमर्स तो है ही, है ना भाई, आपका स्ट्रक्चर सारा पूरा क्या है सेम है, केवल ओरिएंटेशन की बात करोगे आप तो केवल क्या है आपका, है ना, ओरिएंटेशन क्या है स्पेस में अलग होता है, उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है ना, हर कार्बन पे कनेक्टिविटी आप देखोगे सबकी सेम है, ये इसकी मिरर इमेज हमें पता है, मिरर इमेज वाले अपने क्या होते हैं बच्चों, इनांशियोमर्स होते हैं, डायस्टेरियोमर्स तो आपकी मिरर इमेज होते ही नहीं है, तो मिरर इमेज है तो इनांशियोमर होगा ठीक बात है, स्टीरियो आइसोमर तो होंगे, तो बी और डी तो आपके क्या है सही है, सी आपका गलत हो गया, बोला गया डायस्टेरियोमर्स है गलत बात। ऑप्शन नंबर ए देखिए C5 एपिमर्स, बच्चे एपिमर क्या होते हैं आपके दो ठीक है, दो आपके स्टीरियो आइसोमर्स, कैसे कि वो केवल एक आपके केवल एक क्या है स्टीरियो सेंटर पे, अगर इस वाले पे, इस वाले सी पे या किसी भी एक पे, अगर इस किसी भी एक स्टीरियो सेंटर पे, स्टीरियो सेंटर कौन कौन से आपके 2 3 4 5 स्टीरियो सेंटर है, इनमें से किसी भी एक को पकड़ो और उस पे कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों बदल दो, है ना, OH राइट में तो उसको लेफ्ट में कर दो, लेफ्ट में तो राइट में कर दो, किसी भी एक सेंटर में बदल दो, है ना, ओनली एट वन स्टीरियो सेंटर में अगर आपकी क्या है बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री अलग अलग है तो हम बोलते हैं उन दोनों फॉर्म्स को क्या भाई कि ये एक दूसरे की क्या है बच्चों आपकी एपिमरिक फॉर्म है ना, वो उसका एपिमर है। तो C5 एपिमर कब होता, जब ओनली C5 पे ये OH क्या है इधर राइट में इधर लेफ्ट में होता, लेकिन देखो C4 पे भी लेफ्ट में है ना, C3 पे ये राइट में है, तो ये इसका एपिमर नहीं है, मुझे केवल एक कायरल सेंटर पे क्या चाहिए था मुझे, वहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री अलग चाहिए थी, यहां पे तो सारे ही पे क्या है बच्चों आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री बदल चुकी है।
तो ये इसका एपिमर नहीं है। ऐसे एक होता है एनोमर, तो एनोमर क्या होता है, एनोमर बच्चों एपिमर का ही सबसेट है, ठीक है। तो एपिमर एक बोल सकते हो कि लास्ट टर्म है ना, एनोमर उसी के अंदर है। एनोमर आपका होता है कि एक पे ही होता है, एक कायरल सेंटर पे। आपकी क्या जो केमिस्ट्री अलग अलग हो, आर है तो वहां पर ऐसा हो जाए, ऐसा तो आर हो जाए, लेकिन केवल वो कार्बन कौन सा होना चाहिए, वो आपका एसिटल वाला या हेमी एसिटल वाला होना चाहिए। मतलब अगर आप इस ग्लूकोज की बात करो, ठीक है, तो आपका जो मतलब एसिटल या हेमी एसिटल वाला, तो जब इसकी आप वो बनाओगे कौन सी वाली फॉर्म, जब हम इसकी ये वाली फॉर्म बनाएंगे, ठीक है बच्चों, ये ओ और इस तरीके से आप जब जब हम OH और उसकी बात करते हैं ना, बाकी जगह आपका इस तरह से ये होगा। तो ये आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे OH और OR लगा हुआ है, ये आपका क्या है, हेमी एसिटिल कार्बन है। तो केवल इस कार्बन पे जो हम बात करते हैं, आपका अल्फा डी ग्लूकोज और आपका बीटा डी ग्लूकोज, उन दोनों में क्या है, केवल इस एनोमरिक कार्बन पे, एनोमरिक कार्बन किसको बोलेंगे, जो आपका हेमी एसिटिल या एसिटिल है, जहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी अलग है। तो केवल इस वाले में बच्चों OH जो है एक में ऊपर होता है, एक में नीचे होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है बच्चों, वो आपके क्या है, वो आपके एनोमरिक है ना, एपिमर किसी भी एक स्टीरियो सेंटर पे हो सकता है, जरूरी नहीं है वो एसिटिल या हेमी एसिटिल हो। तो हमारा कौन कौन सा सही हो गया बच्चों, बी और डी, इसमें क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको पूछा गया है भाई, आपके पास कुछ एक्स था, ठीक है, आपने क्या करवाया एच प्लस और हीट दी, आपके पास कुछ वाई बना, उसके बाद आपने क्या करवाया इसमें बच्चों, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है ना। आप देख सकते हो जिंक यूज कर रखा है, तो आपका क्या है बच्चों, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है ना, जो एक नेसेंट ऑक्सीजन होगी उसको जिंक जिंक ऑक्साइड बना लेता है। तो अपना क्या होता है बच्चों, है ना, पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता अपना, एल्डिहाइड बेस वाले में अपना रुक जाता है। अच्छा, तो ये हमने करवाया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, आपका कुछ जेड बना, ठीक है, और अपना क्या बना बच्चों, एक W बना। इन्होंने बोला है कि Z पे आपने OH माइनस हीट दी और आपको क्या मिला, PH C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, इधर भी बच्चों C ही है, CH C डबल बॉन्ड O और आपका PH, ये बना W जो बना उसमें इन्होंने क्या करवाया OH माइनस और आपको क्या मिला PH CH2OH प्लस बच्चों आपको मिला PH C डबल बॉन्ड O। अब देखो यार, इस क्वेश्चन को हम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे भाई, आपको दिख रहा है कि ये क्या है बच्चों, आपकी एक अल्कोहल बना है, एक आपका एसिड बना है, तो ये तो मेरी क्या कहने जा रहा रिएक्शन है, राइट। तो मतलब मेरा W क्या रहा होगा, है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है भाई, मेरा W ये रहा होगा एल्डिहाइड यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या एल्डोल नहीं दे सकता, इसने कैनिजारो दी, तो एक आपको मिला एसिड, एक आपको मिला अल्कोहल, तो W मेरा ये रहा होगा। अच्छा, Z में देखिए बच्चों क्या बना है, ये आपका अल्फा बीटा, राइट। तो ये क्या है बच्चों, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब इसमें क्या है, ये एल्डोल वाला प्रोडक्ट दिख रहा है मुझे। कैसे रहा होगा एल्डोल का, अगर आप इसको ऐसे समझें कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, अगर कुछ आपका ये रहा हो, ठीक है, आपने OH माइनस देके हिट किया, तो ये वाला क्या है आपका हाइड्रोजन जो एसिडिक है, यहाँ पे सी एच टू माइनस आया होगा, उसने दूसरे वाले पे अटैक किया होगा, कैसे, दूसरा वाला आपके पास रहा होगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, सी एच टू माइनस का अटैक आप यहाँ पे करवाओगे, ये OH ओ माइनस होगा, ठीक है, ये एच प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये OH बन जाएगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड बनेगा और फिर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, वही तो है, मतलब क्या बनेगा। और अगर आप समझना चाहो तो C इस पे आया बच्चों OH, PH यहाँ पे आया CH2 C डबल बॉन्ड O PH, यही बनेगा। अब आप हीट करोगे तो बच्चों यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ये आपका H और OH यहाँ से निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यही तो है, ठीक है। तो मुझे चमका यार, ये मेरा क्या है Z है, तो Z मेरा ये है, W मेरा वो है, मैंने रिलेटिव ओजोनोलिसिस कराया। अच्छा, तो मतलब इन दोनों क्या करो बच्चों, जोड़ दो ऑक्सीजन वाले पार्ट को, तो मुझे पता लग गया Z ये है, W वो है। अगर मुझे Y चाहिए तो Y किन किन से मिलके बना है मेरा, मुझे दिख रहा है मेरा एक CH3 है, इस वाले पे एक C डबल बॉन्ड हो, अच्छा इधर PH है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है मेरा, दूसरा स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसा है, ये आपका बेंजीन है, उस पे आपका बच्चों क्या है, ये बेंजल डिहाइड है। अब देखिए, तो जब रिएक्टिव हुआ है, ठीक है, तो भाई पकड़ के इन दोनों डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसको जोड़ दो, तो क्या बनेगा आपके पास, तो वाई बेसिकली आपका है सी एच थ्री सी, इधर में पी एच और ये डबल बॉन्ड सी, और बच्चों यहाँ पे आपका दोबारा क्या है पी एच है, तो ये रहा होगा बच्चों क्या आपका, ये आपका वाई रहा होगा, ठीक है, चमक में चमक गया ये। अब आप अगर देखो, है ना, एक्स और वाई पूछा रेस्पेक्टिवली, तो अब अगर आप देखो ऑप्शंस में, मतलब एक कार्बन पे क्या होना चाहिए सी एच थ्री पी एच, और दूसरे वाले पे क्या होना चाहिए बच्चों आपका एक एच और, है ना। देखो भाई, अगर ऑक्सीडेटिव होता तो ये वाला तो कीटोन नहीं बनता, लेकिन इस वाले में बच्चों आपको क्या मिलता, एसिड मिलता, हमें एल्डिहाइड मिला, मतलब क्या है बच्चों, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आपका यहाँ पे करवाया गया था, इसलिए आपको क्या मिला वहां पे, एल्डिहाइड मिला है, तो आपका वाई आ गया ये।
तो आप देखो ऑप्शन ए में तो क्या है, एक कार्बन पे दोनों पीएचपीएच लगा रखे हैं, ऑप्शन ए गया आपका, ठीक है। अच्छा ऑप्शन ए गया आपका, कौन कौन सा बचता है, ना बाकी सारे पॉसिबल हैं। अच्छा अभी तो अब एक्स का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा वाई क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, एक्स में क्या कर रखा है एच प्लस हीट, मतलब यहाँ पे भी क्या रहा होगा कुछ OH टाइप का ग्रुप कहीं रहा होगा, वहां पे स्पेस ने अटैक किया होगा, H2O बना होगा, निकलेगा हीट करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका होगा। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये बनाना है तो ये कहां कहां से बन सकता है, तो भाई हमने कहा ये आपका बन सकता है अगर आपका कुछ ऐसा रहा हो तो CH3CPH, इस पे अगर OH रहा हो C और यहां पे आपका बच्चों H2 आपका रहा हो, अगर ये रहेगा तो आप क्या कर रहा होगे H+ दोगे, है ना, यहां पे क्या होगा H+ जाएगा, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और फिर आप इसको जब बच्चों हिट करोगे तो क्या होगा यहां पे डबल बॉन्ड आपका बन जाएगा और यही मिलेगा। तो मैंने कहा या तो मेरा ये पॉसिबल है, कुछ और भी पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में क्या दिया गया आपको, तो बी ऑप्शन में आपको दिया है, तो अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो एक्स आपको दे रखा है पीएच CH OH C पे CH3 और PH आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो ये OH है, इसको आप क्या करोगे प्रोटोनेट कराया, आपका यहां पे बच्चों प्लस आया, ठीक है, और यहां पे आपके पास क्या है एक और H है, फिर ये प्लस आया तो भैया अभी 2 डिग्री है, 3 डिग्री पे जाएगा, यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, आपका प्लस यहां चला जाएगा, हाइड्रोजन यहां जाएगा, इसके बाद हीट करोगे यहां प्लस है, H+ निकलेगा, यहां पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यही चाहिए था क्या मुझे, एक कार्बन पे CH3 और PH और दूसरे वाले पे, तो एक पे CH3 और PH और दूसरे वाले पे मेरा एक बेंजीन और बच्चों एक H, हाँ भाई। तो मैंने कहा ये भी हो सकता है, तो मेरा बी भी हो सकता है, ठीक है। सी की अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको जो ए दे रखा है वो कैसा है बच्चों, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है PH CH2, इस सी पे आपके पास है CH3 PH और है आपके पास H, ठीक है। तो इसका भाई सीधी से बात है, एक्सप्रेस का प्रोटोनेट कराया, आपका वोटर जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और फिर डिहाइड्रेशन करवाओगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब हीट दोगे तो एक्सप्रेस निकलेगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो एक कार्बन पे पीएच और एच है, दूसरे पे CH3 और पीएच है, सेम चीज आ रही है, मतलब बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है। अच्छा डी ऑप्शन हो सकता है क्या भाई, डी में जो मेरा वाई दे रखा है वो तो यही बना रखा है ना, एक कार्बन पे CH3 पीएच और एक पे पीएच और एच, लेकिन जो आपको एक्स दे रखा है वो क्या दिया हुआ है, तो हम बात कर रहे हैं डी ऑप्शन के एक्स वाले की, तो आपको डी ऑप्शन में एक्स दिया है पीएच इस सी पे पीएच, है ना, यहां पे आपका हाइड्रोजन इस सी पे बच्चों CH3 है और आपका OH है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, जब इसका एच प्लस आएगा वोटर निकलेगा प्लस आएगा, अब ये प्लस जब आपका आया है तो यहां से एक बात देखो, फिनाइल से ज्यादा क्या बच्चों मेरा हाइड्राइड की शिफ्टिंग वाली होती है क्योंकि इसका साइज क्या बहुत छोटा है, तो यहां से जो है हाइड्राइड शिफ्ट करेगा ना कि फिनाइल, तो यहां पे प्लस आएगा और इसकी वजह से क्या है बच्चों डबल बॉन्ड आपका यहां बनेगा, तो एक पे दो पीएच रहेंगे, गलत हो गया, मुझे क्या चाहिए था एक पे पीएच और CH3 चाहिए, तो बी और सी बच्चों आपके क्या होंगे यहां पे करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो जाएंगे, और डी क्या है बच्चों आपका गलत है, ए भी गलत है, तो आपके बी और सी यहां पे करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, फिनोल की प्रिपरेशन के आपके 4-5 ऑप्शन दे दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है किन किन तरीके से हम फिनोल जो है बच्चों बना सकते हैं, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो अगर आप देखो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, तो वो बच्चों दिया गया है आपको ये हाइड्रोपरोक्साइड वाला जो हम करते हैं सिंथेसिस, है ना, हाइड्रोपरोक्साइड बना के फिर अपने को फिनोल और एसीटोन जो मिलता है, तो ए वाली प्रोसेस आपकी वो है। ऑप्शन बी में आप नजर मारो तो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, उसकी अपन NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये तो डाउस प्रोसेस है, तो इसमें भी अपना क्या होता है बच्चों बन जाता है। तो देखो यार वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों टफ है, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या है यहाँ पे काफी हाई है, काफी एनर्जी का वेस्टेज यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे बच्चों बन जाता है फिनोल। ऑप्शन नंबर 6 अगर आप देखो पहला वाला क्या है आपके पास बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आपके पास क्यूमीन भी इसको बोलते हैं, तो आपको बेसिकली क्यूमीन दिया है, ठीक, और क्यूमीन के साथ आपको दे दिया है O2H+, और दूसरे वाले में दिया है बच्चों H+ हीट, ठीक है। तो डिटेल में नहीं जा सकते, बस ये कह सकते हैं कि यार यहाँ पे जो H है पहले इसका हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बनेगा, फिर O2 जो है वो टूटेगा, OOH लगेगा, ठीक है, फिर H+ उसको क्या करेगा प्रोटोनेट करेगा, फिर आपकी फिनाइल रिंग शिफ्ट करेगी, तो आपको एसीटोन और क्या मिलता है बच्चों फिनोल मिलता है, आप पढ़ सकते हैं नोट्स में आपको लिखवाया गया है, तो ये आपकी हाइड्रोपरोक्साइड है ना, वो वाली क्या है बच्चों हाइड्रोपरोक्साइड से कैसे फिनोल सिंथेसाइज करते हैं आपकी, वो वाली प्रोसेस ये है। तो मैंने कहा यहां पे तो बनता है मेरा फिनोल प्लस मेरा बनता है बच्चों एसीटोन, तो ये क्या है करेक्ट है।
हमने बात की दूसरी वाली प्रोसेस जो है वो डाउस प्रोसेस है, तो उसमें भी आपके पास क्लोरोबेंजीन है, आपने NaOH रिएक्शन करवाई, लेकिन आपने कहा 623 के और तो आपने 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा, काफी हाई कंडीशन है ना, हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे आपको क्या बताया बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो जाता है क्योंकि हमने प्रेशर टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया है। आप बात करोगे तीसरे ऑप्शन की, तो हमें पता है यहाँ पे दिया हुआ है आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड और यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, फ्यूज्ड NaOH हीट और फिर आपको दिया हुआ है H+ और हीट। हाँ तो ठीक है, अपने को पता है ये वाली क्या रिवर्सिबल होती है ना, तो बेंजीन के ऊपर ही सल्फोनिक वाली रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या है OH- इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको OH मिलेगा। यार ये OH के बाद H+ में दे रखा है क्योंकि ये बच्चों अल्कलाइन मीडियम है, आपको OH नहीं मिलेगा, फिनोक्साइड मिलेगा, तो उस फिनोक्साइड के ऊपर आपको H+ रिएक्शन करा के आपको फिनोल बनाना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, अगेन क्लोरोबेंजीन आपको दिया हुआ है और इस बार क्या है एक्वस NaOH बोला है और रूम टेम्परेचर पे बोल रहा है। भाई अगर ये हो जाती तो इतनी मेहनत थोड़ी करनी पड़ती, ये जो प्रेशर टेम्परेचर दिया हुआ है हमने 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर पहुंचा दिया है, उसकी जरूरत ही क्या अगर आप रूम टेम्परेचर पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दोगे तो क्योंकि यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड करेक्टर होता है ना भाई, यहाँ पे लोन पेयर है, ये प्लस एम शो करता है, तो यहाँ पे क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो उसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना टफ है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाला कार्बन आपका बच्चों क्या है sp2 है, तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके sp3 से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को उतनी आसानी से क्या है Cl- को यहाँ से नहीं निकलने देगा, तो यहाँ पे अटैक कराना क्या है बच्चों, यहाँ पे Δ+ उतना क्रिएट नहीं हुआ है कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करा पाओ, तो ऑप्शन डी से फिनोल नहीं बना पाओगे, तो ABC क्या हो जाएंगे बच्चों आपके करेक्ट यहाँ पे आंसर्स होंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों आपकी, आपको दिख रहा है ब्लीचिंग एक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, Cl2 की हमने ड्राई स्लिप लाइन से करवाई है, Cl2 की हमने बच्चों ड्राई स्लेक लाइन से रिएक्शन करवाई है और आपको क्या मिल रहा है, अच्छा यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बोला हुआ है और पूछा है क्या कि इसके बारे में, पहले ये तो पता लगे ये रिएक्शन क्या हो रही है तभी तो बताओगे कुछ, तो Cl2 और ये आपका हो गया बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, तो क्या बनेगा आपका बच्चों यहाँ पे Cl आपका जीरो में, हमें पता है यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शन होता है, आपका क्या बनता है बच्चों यहाँ पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 बनता है प्लस CaCl2 बनता है प्लस आपका वाटर। ठीक है, तो ये Ca और Cl2 को अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोरीन आपको किसमें बच्चों जीरो में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है CaOCl और एक Cl। ठीक है, अब ये तो क्या है मेटल है, यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा तो यहाँ पे तो क्लोरीन -1 में है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ये आपका यहाँ पे इस पे क्या है -2 है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा क्लोरीन पे आपका +1 है। ठीक है, तो आपका इस Cl पे +1 है, इस Cl पे -1 है, तो जीरो से ये ऊपर भी गया है नीचे भी गया है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है रिडक्शन भी हुआ है, तो बेसिकली क्या है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बच्चों आपकी है, और क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट गिव्स ब्रिक रेड कलर ऑन फ्लेम, भाई फ्लेम में आपके पास क्या है यहाँ पे, आपके पास कैल्शियम है तो कैल्शियम आपके बच्चों क्या करेगा फ्लेम पे, आपने पता है कि भाई है ना फ्लेम टेस्ट जो आपके होते हैं आपका कैल्शियम क्या देता है ब्रिक रेड कलर देता है, तो आपका ऑप्शन बी भी सही है, तो ए सही है बी सही है। सी की बात करोगे प्रोडक्ट कैन डीकलराइज ऑर्गेनिक है ना कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर, तो ब्लीचिंग एक्शन काम ही यही है, वो क्या करता है बच्चों डीकलराइज करता है अपने। ठीक है, तो ये अपने ब्लीचिंग एक्शन है, तो ऑप्शन सी भी क्या है बच्चों आपका सही है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +1 and +5 इन द प्रोडक्ट, तो +5 तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या हो गया बच्चों ऑप्शन डी गलत हो गया, तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी A, B and C। ओके बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला गया, अभी नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं ये और आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड वगैरह पूछ रखे हैं, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ठीक है ये आपका ग्रुप 15, इसके बाद 16 होगा, इधर 14 होगा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है अच्छा इधर होगा आपका ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है ये सारे होंगे है ना। चलिए अब क्या पूछा है, पहला पूछा है कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ऊपर से नीचे में क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। यार ऊपर से नीचे जब आप जाओगे ग्रुप में, ठीक है ग्रुप में जब आप मूव करते हो नीचे की तरफ, तो अपने को पता है साइज आपका बहुत तेज बढ़ता है, ठीक है साइज आपका स्पीड से बढ़ता है और आपका जेड इफेक्टिव बच्चों उतनी तेज नहीं बढ़ पाता है, इसकी वजह से क्या होता है ओवरऑल अगर हम इफेक्ट देखें तो आप आउटर मोस्ट से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो वो निकालना बच्चों आसान होगा क्योंकि साइज आपका काफी बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों नीचे जाएंगे तो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी आपकी, नीचे जाएंगे तो डिक्रीज करती जाएगी, हमें आसानी होगी आयनाइजेशन एनर्जी है ना एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो हमने कहा भाई नीचे आएंगे डिक्रीज करेगी, तो आपका ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है।
अच्छा हमने कहा हायर देन दैट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इन द करस्पोंडिंग पीरियड्स। अच्छा ग्रुप 14 वाले से ज्यादा होगी क्या? अगर आप 15 वालों का लिखोगे ना, इसे हमारा नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का अपना कितना हो गया बच्चों 7, तो हम कहेंगे 1s2 2s2 2p3। तो क्या आ रहा है बच्चों, इस ग्रुप वालों का हाफ फिल्ड आ रहा है, ठीक है, तो मतलब इसका NH2 NP3 है तो इसका हाफ फिल्ड आ रहा है। तो अगर हाफ फिल्ड है यार, देखो अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो वैसे ही क्या होता है बच्चों, अगर सेम पीरियड में बात करेंगे हम, तो क्या हो रहा है हमारा जेड इफेक्टिव क्या होता है, एक पीरियड के लॉन्ग बच्चों बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो आपको बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स की पकड़ आपके इलेक्ट्रॉन्स पे क्या ज्यादा बढ़ रही है, तो इधर से इधर तो अपना ट्रेंड वैसे ही क्या होता है बढ़ता है, तो 14 वालों से तो ज्यादा होगी होगी 15 वालों की, तो हायर तो 14 से होगी, तो बी वाला भी क्या है सही है। अच्छा 16 वालों से कम होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आपका हाफ फिल केस आ गया, ये बच्चों क्या है, स्टेबल है, अगर आप इसको स्टेबल से अनस्टेबल बनाना चाह रहे हो तो क्या होगा, अगर ऐसा केस आया हाफ फिल्ड का, तो उसके उससे नेबरिंग वाले से बच्चों क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ना, इसके आगे जो आएगा उससे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन केवल अगर नाइट्रोजन तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन से ज्यादा होगी ना, फ्लोरीन से ज्यादा नहीं होगी, केवल उसके बाद जो आ रहा है बच्चों उससे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी उस केस में, तो इससे लोअर नहीं होगी, तो आपका सी स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया, तो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 16, राइट, ओके। द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा तो भाई ये तो अपने को पता ही है यार, सक्सेसिव आपकी क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी, तो IE1 से ज्यादा होगा IE2 और उससे ज्यादा होगा IE3, तो बच्चों आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, प्रोटॉन आपके उतने ही है, तो अब क्या है, तो आपकी क्या है, आप जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे है ना, आपका साइज छोटा हुआ, प्रोटॉन की पकड़ बढ़ चुकी है, अब आप एक और निकालना चाहोगे तो क्या होगा बच्चों, में और दिक्कत आएगी, आपको और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो जैसे जैसे आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी अपनी जो होगी बच्चों वो हमेशा आपकी इंक्रीज ही होती है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है, तो करेक्ट कौन कौन से हो गए, ए बी एंड डी, सी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल्ड आ रहा था, तो इसकी इससे जस्ट अगले वाले से क्या होगी बच्चों, इसकी ज्यादा होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे 9 की 8 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा गया है कि भाई H2O2 किसमें ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो है बच्चों शो नहीं कर रहा है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन अगर शो कर रहा है मतलब क्या होना चाहिए, इसका खुद का रिडक्शन, बाकी जो दिया हुआ है उसका ऑक्सीडेशन। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखो तो उसमें क्या है बच्चों, Fe+2 में है ना, ये तो आप निकाल लोगे यार, FeCN6 4- है, ठीक है, तो Fe+2 में है और +2 से किसमें गया है बच्चों, Fe+3 में गया है, तो बिल्कुल ऑक्सीडाइज किया है और वहां पे H2O2 ही है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वो शो कर रहा है। दूसरे वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको MnO4- Mn+7 में है और +7 से वो कहां जा रहा है, Mn+2 में जा रहा है, तो ये तो रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे वो नहीं कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो, तो यहाँ पे तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है Mn, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हुआ है, उसने H2O2 को ऑक्सीडाइज किया होगा। अच्छा उसके अगला अगर आप देखोगे तो MnO4- अगेन Mn+7 में है और +7 में जा रहा है +4 में, तो यहाँ पे भी नहीं होगा ना यार, तो यहाँ पे भी बच्चों क्या होगा, ये खुद रिड्यूस हुआ है, तो बाकी तो क्या हुए होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, तो यहाँ पे भी H2O2 क्या कर रहा है बच्चों, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आप बात करोगे ऑप्शन नंबर 4 की, तो आपका क्रोमियम जो है +3 में है और +3 से बच्चों चला गया है +6 में, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, तो H2O2 ने ही ऑक्सीडाइज किया होगा, तो आपके इस वाले में ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर H2O2 किस किस में शो कर रहा है आपका, ए वाले ऑप्शन में और डी वाले में, इन दोनों में ही वो बच्चों क्या कर रहा है आपका, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। चलिए भाई, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था ना, और नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक से पहला वाला जो था वो भी काफी आसान था, तो ये कंपैरेटिवली जो है इजी है आपका पेपर 1 से। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपका क्या है, सो ना ये अपना मेटल इन लिक्विड अमोनिया की बात ये यहां पे कर रहा है। अच्छा अपने को एक बात पता है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अगर बच्चों हम मेटल की अगर आप वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, अपनी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, राइट, अल्कली मेटल्स की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, अल्कलाइन भी करते हैं लेकिन यहाँ पे हम अल्कली की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा अगर आप मेटल की H2O से करवाओगे तो आपको H2 गैस मिलती है, क्यों, क्योंकि भाई मेटल गया आपका, मेटल मान लीजिए अगर ये अल्कली वाला है, ठीक है, सोडियम टाइप का है, पोटेशियम टाइप का है, तो ये गया प्लस में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और यहां से H2O का आयनाइजेशन होगा आपका H+ OH- में, तो ये इलेक्ट्रॉन H+ के साथ मिलकर यहां से बच्चों आपको H2 गैस दे देता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अमोनिया की और अपना सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है, मतलब लिक्विड अमोनिया में, बच्चों लिक्विड अमोनिया का मतलब ये नहीं कि आपको अमोनिया में पानी है, नहीं,
ना वो प्योर अमोनिया ही है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो लिक्विड अमोनिया में मेटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे H2 गैस हमें लो कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चों अगर आप बात करोगे इसके आयनाइजेशन की ना, इधर भी रिवर्सिबल लगा लेते हैं भाई, मतलब पूरा आयनाइज थोड़ी होता है वाटर। अच्छा तो इसकी बात करोगे आप तो क्या होगा, आपको मिलेगा NH2- और H+। लेकिन बच्चों इसको अगर हम K1 बोले और वाटर वाली को K2 बोले, तो हमने एक बात पता है यार, इसका आयनाइजेशन क्या है, बहुत कम है वाटर की कंपैरिजन में। तो वाटर वाले का आयनाइजेशन बच्चों ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका इस वाले के आयनाइजेशन के। अच्छा इस वजह से आप ये कह सकते हो कि यार आपके पास लो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या है आपके पास बच्चों, तो और आपका मेटल तो किसमें जाएगा, मेटल तो जाएगा आपका मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन में, लेकिन क्योंकि इसका आयनाइजेशन बहुत कम है तो आपको H+ सफिशिएंट नहीं मिलेंगे, तो H2 गैस वहां से लिबरेट नहीं होगी, और बजाय क्या हो जाता है आपका जो मेटल कैटायन है ना, जो आपका मेटल कैटायन है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अमोनिया से सराउंड हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं भाई, मेटल कैटायन आपके पास है, इसे प्लस चार्ज है, तो अगर आप अमोनिया को ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान लो हम एच 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 और ये लोन पेयर, ठीक है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये प्लस है, तो ये क्या है लोन पेयर वाला पोर्शन इसकी तरफ होगा, और इस तरह से बच्चों ये अमोनिएटेड मेटल कैटायन क्या है बन जाएगा, अमोनिया इसके तरफ क्या होगा, तो अमोनिया में ये क्या हो गया बच्चों, सोल्यूटेड हो गया। ठीक है, अमोनिएटेड क्या है मेटल कैटायन। इसी तरह से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा बच्चों, ऐसे ऐसे वो अमोनिया से क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्यूटेड हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अब आप देखिए आप अमोनिया वाले का साइज तो काफी बड़ा है और आपके इलेक्ट्रॉन का साइज तो बहुत छोटा है, तो इसकी वजह से यहाँ बच्चे वॉइड क्रिएट होगी। ठीक है, वॉइड क्रिएट होगी और आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से क्या होता है अपने को ये वाला सोल्यूशन अपना बच्चों कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक, कंडक्टिविटी यहाँ पे होती है क्योंकि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और आपका सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक भी होगा और आपका इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे है तो ये क्या करता है बच्चों, आपका एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब करता है, तो उस चक्कर में क्या होता है आपको सॉल्यूशन में कलर दिखाई देता है, कौन सा, डीप ब्लू। तो हमें यहाँ पे बच्चों डीप ब्लू क्या है आपको एक कलर सॉल्यूशन में मिलेगा। अब पढ़ते हैं यहाँ क्या क्या बोला गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डार्क ब्लू इन कलर। हाँ भाई सही बात है, तो आपको क्या बच्चों डार्क ब्लू कलर जो यहाँ पे मिलता है क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज करेगा, उस चक्कर में क्या होगा वहां पे बच्चों आपको कलर दिखाई देंगे। अच्छा, सिमिलर कलर इज ऑब्टेंड ऑन एडिंग सोडियम इंस्टेड ऑफ पोटेशियम। हाँ भाई, सोडियम के साथ भी सेम ही केस होगा। ठीक है, तो आपका अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब ये होगा। ठीक है, अच्छा अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं, और ऑप्शन डी पढ़िए, इट कंटेन्स अमोनिएटेड मेटल कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ये भी सही बात है, हमने अभी देखा, तो ए बी एंड डी आर करेक्ट। अच्छा सी क्या है, मेटल कैन बी रिकवर्ड बाई वेपराइजेशन ऑफ NH3। अच्छा आप NH3 को वेपराइज कर दोगे तो आपको दोबारा क्या बच्चों मेटल यहाँ पे मिल जाएगा, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे आपके ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं 10th में ए बी सी डी। हाँ तो यहाँ पे आपके बच्चों क्या है, ए बी सी डी चारों ही सही है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि डायल्यूट में, अच्छा अगर इसको डायल्यूट नहीं रखेंगे, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे बच्चों तब क्या होगा, बच्चों तब क्या होता है मेटल आपका बढ़ता जा रहा है तो आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब आपका सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके सॉल्यूशन में हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने लगेगा, और क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो आपकी पेयरिंग शुरू हो जाती है, और उस पेयरिंग के चक्कर में आपके सॉल्यूशन का पैरामैग्नेटिक करेक्टर बच्चों डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, और वहां पे M2 कोवेलेंट बॉन्ड जो है बच्चों MM आप बनाने लगते हैं। ठीक है, उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन अपने होते हैं, पेयरिंग हो जाती है, तो उस चक्कर में आपका पैरामैग्नेटिक करेक्टर गिरने लगता है, सॉल्यूशन का कलर भी ब्लू से जो है बच्चों ब्रॉन्ज या गोल्ड में चेंज होने लगता है। तो ये सारी चीजें हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तरह की चीजें होती हैं, इतना आपसे पूछा नहीं गया है, तो यहाँ पे चारों ही बच्चों क्या है स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं बच्चों पहला कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपको पहला कॉम्प्रिहेंशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। ठीक है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या बोला गया है कि आपके पास बच्चों 1 लीटर Na2SO4 राइट, ये सॉल्यूशन आपने पास किया, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया हमने। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की कितना, 96.5 एम्पीयर, कितने टाइम के लिए बच्चों, 100 सेकंड के लिए। अच्छा क्या दिया हुआ है कि भाई आपका आई जो है वो है, तो करंट है 96.5 एम्पीयर और आपका टाइम जो है बच्चों वो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपको 100 सेकंड। अच्छा, और आपको इफिशियंसी बोल रखी है करंट की, इलेक्ट्रोलिसिटी कितनी है बच्चों, 80% की प्रोसेस हमारी क्या है एफिशियंट रही है। अच्छा मतलब अगर आपने 1 एम्पीयर दिया है तो उसको 0.8 एम्पीयर मान के चलना है। क्या निकालना है कि टोटल मोल्स ऑफ गैस कितने प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रोलिसिस में। तो बच्चों क्या है इसमें भाई, ये है आपके पास, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए तामझाम लगा रखा है, एक आपका कैथोड होगा, एक आपका एनोड होगा, ये प्लस वाला है, ये माइनस है, तो
प्लस वाले से जो कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका करंट किस तरफ फ्लो होगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, मतलब आपका ये जो है ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है बच्चों, कैथोड है। क्योंकि एनोड पे हमें पता है यार ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा तो कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा इस वाले इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा तो इधर फ्लो करेंगे, तो ये अपना एनोड है वो अपना कैथोड है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आपके पास है बच्चों Na2SO4 एक्वियस, ठीक है। एक्वियस मतलब यहां पे पानी भी है, तो दो चीजें हो सकती है, एक तो आपका वाटर जो है वो जाएगा बच्चों एच प्लस और ओएच माइनस में, ठीक है, और दूसरी चीज जो होगी वो आपका जो ये इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4 जो है ये आपको देगा बच्चों क्या Na2 प्लस, है ना, Na मतलब 2Na प्लस प्लस सल्फेट। अब देखिए, अब एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। कैटायन आपके पास क्या है, या तो सोडियम है या फिर आपके पास क्या है बच्चों एच प्लस है, तो Na प्लस तो क्या है रिड्यूस होने से रहा, है ना, ये तो आपका जो है बच्चों काफी क्या है ना Na प्लस, Na की रिएक्टिविटी क्या है ज्यादा है, तो वो चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके रहे, तो उसको आप इलेक्ट्रॉन उसको रिड्यूस करना, रिडक्शन करना, है ना, तो मेटल का रिडक्शन तो क्या है बच्चों ये काफी टफ है एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पे एच प्लस जो है वो कैथोड पे जाएगा और वो क्या करेगा बच्चों हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, तो हमें पता लग गया कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन लेके एच टू गैस लिबरेट कर रहा होगा। अच्छा एनोड पे क्या होगा बच्चों, सिमिलरली एनोड पे भी क्या होगा आपका जो OH माइनस है वो आपको क्या करेगा भाई, यहां से आपको O2 मिलेगी प्लस 2H2O प्लस ये चार इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, क्योंकि भाई ये माइनस किसमें था बच्चों, माइनस टू में है वो जीरो में चला गया और आपके O2 है तो दो गए हैं, हाँ भाई भाई एक आपका माइनस टू में था जीरो में जाना है, O2 है तो क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका चार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है भाई, एक के लिए दो तो दो के लिए चार। अच्छा ऊपर वाली को भी अब भाई चार इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर रहे हैं, ये चार इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो वो चार इलेक्ट्रॉन इधर से लेके क्या एस टू गैस निकल रही होगी, तो इसको भी क्या है बच्चों अपन फोर कर लेते हैं और चार इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करके दो हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे मोल्स निकाले, तो ये आपके क्या है एनोड कैथोड प्रोसेस हो रही होंगी। अच्छा जब आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया इस सॉल्यूशन का, अब समझने के बाद क्या है क्या होगा, पूछा गया है टोटल मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस, भाई टोटल मोल्स कितने होंगे भाई कैसे निकालेंगे, यहां से अगर इसने चार इलेक्ट्रॉन लिए तो दो हाइड्रोजन के, है ना, अगर चार मोल इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा उतना चार्ज तो दो हाइड्रोजन के मोल्स यहां से आएंगे और ऑक्सीजन का एक आएगा उन्हीं चार मोल के करस्पॉन्डिंग, तो हम कह रहे हैं अगर आपके पास चार मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा मतलब चार फेराडे अगर हुआ तो आपको दो मोल मिलेंगे हाइड्रोजन के प्लस एक मोल मिलेगा आपको ऑक्सीजन का, ठीक है, और चार फेराडे चार्ज मतलब मैं कह रहा हूं 96500 कूलम, इतने चार्ज में मेरे पास तीन मोल मुझे क्या मिलेंगे बच्चों गैस मिलेंगे, है ना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, समझ में आ गया, ऐसा नहीं सोचना है चार और चार आठ, भाई ये चार इसने छोड़े उसी ने वो चार एक्सेप्ट किए हैं, है ना, तो ओवरऑल आपका चार का ही लेन देन चल रहा है, आठ मत कर देना। अच्छा अब यहां से यूनिटरी मेथड लगाते हैं, अपने को कितना दिया गया चार्ज, अगर अपन देखें चार्ज अपने को दिया गया 96.5 एम्पीयर इनटू 100 सेकंड, आपको दिया गया इतना कूलम, तो इतने कूलम में कितने मोल, दिस तो 3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 96500 इतने इनटू जितने ये हैं 96.5 इनटू 100, ठीक है, नीचे 10 ले आइए क्या हो गया ये आपका बना, तो 965 से 965 20 से 20 क्या आ गया बच्चों ये आपका 3/40 3/40 आ गया, तो 3/4 आता है 0.75। अच्छा हमने कहीं पे गलती की है क्या बच्चों, हाँ तो ये हो गया कितना 0.075। ये कब होता, ये आपका होता जब आपका क्या होता बच्चों एफिशिएंसी आपकी पूरी होती है ना वन होती, लेकिन यहां पे क्या है 80% है, तो 80% है तो आपके पास चार्ज इतना नहीं है, ठीक है, ये तो पूरी पे है, अगर 80% है तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, तो आपके पास चार्ज जो है वो है इनटू 0.8, क्योंकि आपका करंट जो है बच्चों 80% इसने इस प्रोसेस को एफिशिएंट बोला है, तो यहां पे भी आपका 0.8 का फैक्टर आएगा, तो 0.8 का फैक्टर यहां आएगा तो वो यहां भी आएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.8 से तो ये भी 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 24/400 और ये आ गया 0.06, तो इतने मोल समय मिलेंगे, ठीक है, काफी आसान सवाल था, तो ये 80% वाला मिस नहीं करना है बच्चों, है ना, मैंने मिस कर दिया था एक बार के लिए, तो 0.06, लेकिन आप मिस करते तो आपको ऑप्शन नहीं मिलता, तो आप क्रॉस चेक कर ही लेते, लेकिन क्या पता कई बार वो ऑप्शन डाल दे,
तो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी अपने को। तो ये हो गया बच्चों कौन सा ऑप्शन नंबर अपना हो गया डी। अब अगले क्वेश्चन आपसे पूछा है द टोटल वर्क डन बाई गैसेस प्रोड्यूस्ड। अच्छा जो गैसेस आपकी प्रोड्यूस हुई है टोटल कितना वर्क करेंगी अगर उनको क्या है 32 टाइम्स उनके इनिशियल वॉल्यूम को एक्सपेंड कर दिया 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा अब भाई तो अपने को पता है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में, भाई रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका वर्क डन आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो डेरिवेशन में नहीं करेंगे लेकिन कितना होता है डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा तो अपने को पता लगा अपने पास कितने मोल्स हैं, 0.06 मोल्स हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा जो दोनों गैसेस हैं बच्चों एक H2 है एक O2 है तो दोनों अपनी क्या है बच्चों डायएटोमिक है, अपने को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तो इनके लिए अपना गामा जो है ना सेम ही आएगा। अच्छा अपना क्या होता है बच्चों वर्क डन अगर आप कहोगे है ना एडियाबेटिक प्रोसेस में तो कितना हो जाएगा P1V1 - P2V2 बाई आपका बच्चों गामा माइनस वन। और गामा आपका डायटोमिक के लिए कितना होता है बच्चों है ना N+2/2 N होता है 5 तो ये हो गया आपका 7/5। अच्छा अब आपको क्या दिया गया है देखते हैं तो P1V1 बाई इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं NRT1 - T2 बाई गामा माइनस वन। एन आपको पता है 0.06 है, आर आपका आर रख लेते हैं, T1 T2 आपको इनिशियल है ना आपको वही T1 दे रखा कितना है बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस। आपने को पता है एडियाबेटिक में क्या होता है बच्चों PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको रिप्लेस कर दीजिए NRT बाय V, ठीक है, इनटू V टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो आ गया T इनटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं T1 बाय T2 इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों V2 बाय V1 टू दी पावर गामा माइनस वन। और वॉल्यूम ये कितना दिया बच्चों 32 दिया हुआ है तो ये आपका आ गया सिंपल सा T2 बाय T1 इक्वल्स टू 32 दी पावर गामा निकाला हमने 7/5 - 1। और आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 32 है बच्चों आपका 2 टू दी पावर 5 और इसकी होल पावर में कितना हो जाएगा 2/5 कैंसिल हो गया ये आ गया 4। तो यहां से आपका आ गया T1 बाय T2 इक्वल्स टू 4, तो T2 इक्वल्स टू T1 बाय 4 एंड T1 इज नथिंग बट 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन। तो यहां से क्या कर सकते हैं T1 को रिप्लेस कर दीजिए तो T2 को रिप्लेस किया दैट इज T1 बाय 4 दिस विल कम आउट टू बी 0.06। अच्छा हम गामा माइनस वन भूल गए दोबारा तो गामा माइनस वन कितना आया आपका 2/5 तो ये हो गया 5/2 इंटू 0.06 इंटू आर इंटू बच्चे ये कितना हो जाएगा 3 T1 बाई 4 T1 इज 300 बाई 4 आपका ये हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे है ना बच्चों 2 जीरो अकाउंट में लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 30 × 900 R/400 × 2 ये हो गया आपका 15 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ये कितना आ गया भाई 135/4 R। और ये आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये आपका आ जाना चाहिए कितना भाई भाई 4 3 12 115 और 4 3 12 तो समथिंग लाइक दिस नॉट दिस 7/5 ठीक है बच्चों। तो ये आपका आएगा और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं अब चलते हैं अगले कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। ये अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ठीक है, ये भी आसान है बच्चों। इसमें क्या करवाया है पहले वाला अगर आप पढ़ो तो आपने इसने बोला है कि भाई जनरली आपके जो अल्काइन्स है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, है ना, सही बात है भाई। वहां पे क्या है उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अल्काइन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो लूजली बॉन्डेड जो उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि आपके पाई बॉन्ड जो है बच्चों उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते सिग्मा के कंपैरिजन में तो आपके पास क्या है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो आपके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। जनरली क्या देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन ये कहते हैं कि अगर हम कोई बहुत ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दे CF3 टाइप्स तो वो क्या दे सकता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी दे सकता है और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी एंटी होगी। चलिए तो इसमें बात की क्वेश्चन नंबर 13 की तो पहला आप देखो तो क्या है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें बच्चों क्या करवाया है HBr एक्सिस, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा काफी आसान है ना तो H प्लस आपका जाएगा तो CH3C ये इसके अक्रॉस आपका H प्लस लग गया CH यहां से आपको मिलेगा क्या मिलेगा बच्चों तो आपका CH3 डबल और आपका C ये प्लस
डबल बॉन्ड सी एच टू, और आपका बी आर माइनस जो है वो आपका इधर ही लगेगा, तो आपको यहां से मिल जाएगा सी एच थ्री सी बी आर डबल बॉन्ड सी एच टू। एक्सेस दिया हुआ है बच्चों, दोबारा एच बी आर कराएंगे, सेम प्रोसेस होगी है ना, क्योंकि ये 2 डिग्री है तो आपका कार्बोकेटन अभी भी यहीं पे बनेगा, और आपका C इस पे BR BR और आपका CH3 इस टाइप का कुछ बनना चाहिए। हुआ क्या है, आपका H+ पहले जुड़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। अब आपको दिया गया है H C ट्रिपल बॉन्ड C CF3, और यहां पे आपको दे दिया गया है बच्चों NaOCH3 और आपका CH3OD। अच्छा देखिए, अब क्योंकि ये क्या हो रहा है बच्चों, आपके कार्बन के साथ तीन F लगे हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, ये इस ग्रुप की वजह से यहां पे क्या बच्चों डेल्टा प्लस चार्ज आपका क्या है काफी ज्यादा क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, तो आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया है। अब किसके लिए, जो आपका ये OCH3 है ना, OCH3 माइनस, तो CH3O माइनस जो आपका है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा। देखिए भाई, इसमें आपका सॉल्यूशन जो दिया गया है ना, मैं उसका जस्ट ऑपोजिट बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे वो ज्यादा करेक्ट लग रहा है, ठीक है, इन्होंने क्या सोचा है वो भी आपको बता दिया जाएगा क्या सोचा होगा। तो डेल्टा प्लस पे ज्यादा क्रिएट होगा, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, न्यूक्लियोफाइल आपका यहां पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा एच सी डबल बॉन्ड सी यहां पे माइनस, और सी एच थ्री यहां पे जुड़ चुका है, और सी एफ थ्री, फिर आपका जो सी एच थ्री और डी है यहां से डी प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, ये डी प्लस लेगा और आपका डी यहां पे हो जाएगा। तो एंटी एडिशन बोला गया था, हमने एंटी एडिशन करवाया, तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है यार, इन्होंने क्या सोचा है कि आपके पास है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी एफ थ्री, ये काफी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सही बात है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, ओ सी एच थ्री का अटैक यहां पे करवा दिया है, और यहां पे माइनस आ रहा है, हाँ ठीक बात है, ये माइनस जो आ रहा है अब सी एफ थ्री इसको स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा बच्चों, है ना, यहां पे इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा होगा, ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन मेरा अपना पहला क्वेश्चन ये है कि यार न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या देख के करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपका कि भाई कहां पे ज्यादा खालीपन है वहां पे मैं जाके लगूंगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक जहां पे इसको मिलेगा वहां पे जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अब इन दोनों में हम बात करेंगे तो ये तो नहीं है मेरा, है ना, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे है अल्काइन है, तो लेकिन इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है, ये, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहिए और आपका फिर एंटी एडिशन होना चाहिए। तो यहां पे आपको दिया गया है आंसर में बी, लेकिन हमारा अकॉर्डिंग टू मी इट्स डी, ठीक है, अगर गलत हो ठीक है तो बच्चों आप बी कर लीजिएगा, बट एज पर मी द आंसर शुड बी डी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू कॉम्प्रिहेंशन नंबर थ्री। तो कॉम्प्रिहेंशन नंबर थ्री आपका बच्चों मेटलर्जी पे है, और आपको क्या पूछा गया है मेटलर्जी में, तो अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ो तो बोला गया हम रोस्टिंग जो कराते हैं किसी और की, ठीक है, रोस्टिंग जो कराते हैं, और उसके बाद रोस्टिंग कराने के बाद जो आपको ऑक्साइड मिलता है मेटल ऑक्साइड, हम क्या करते हैं बच्चों, उसका हम कार्बन रिडक्शन करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब एलिंगम डायग्राम पढ़ते हो तो आप देखते हो यार कार्बन की ऑक्सीजन एफिनिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है, बाकी सबकी क्या हो रही होती है बच्चों, घट रही होती है, ठीक है, बाकी सबकी घट रही होती है, और कार्बन की क्या होती है बच्चों, बढ़ रही होती है, इसलिए हम कार्बन यूज करते हैं रिडक्शन कराने के लिए, और इसीलिए हम पहले ऑक्साइड बनाते हैं ताकि अपन फिर उसको, कार्बन की ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ती है तो ऑक्सीजन कार्बन लेके चला जाएगा और अपने को मेटल जो है बच्चों मिल जाएगा, ये अपनी इसके पीछे मोटी मोटी सोच रहती है, ठीक है। अच्छा, अब रोस्टिंग किसकी कराएंगे, रोस्टिंग हम तब कराते हैं जब आपका मेटल जो है बच्चों उसमें अगर ऑक्साइड नहीं है, तो मान लीजिए अगर सल्फाइड का कोई है आपका, ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, मान लीजिए अगर आपका कोई सल्फाइड का है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं यार पहले ये ऑक्साइड बन जाए, ठीक है, और आपकी SO2 गैस यहां से निकल जाए, ताकि ये ऑक्साइड बन जाए, फिर मैं कार्बन रिडक्शन कराऊंगा तो मुझे मेटल मिल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा मेरा कार्बन के ऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से मैं रिडक्शन करवाऊंगा, ये अपनी मोटी मोटी सोच रहती है। अच्छा, अगर ऑलरेडी मेरा ये, अगर ऑलरेडी मान लो ये कार्बोनेट है, ठीक है, अगर मान लो ये कुछ M2CO3 है, ठीक है, अगर इस टाइप का है ऑलरेडी ऑक्साइड है, तो मैं फिर रोस्टिंग क्यों कराऊंगा, फिर मुझे रोस्टिंग नहीं करानी है, अगर कार्बोनेट है तो मुझे कैल्सिनेशन कराना है, मुझे इसको हीट करना है ताकि मेरी CO2 उड़ जाए और मेरे पास मेटल का ऑक्साइड बच्चों बच जाए, क्लियर है क्या, तो फिर मुझे क्या करवानी है, इसकी कैल्सिनेशन करवानी है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीटिंग करेंगे ताकि CO2 उड़े और मुझे क्या मिल जाए बच्चों, मेटल का ऑक्साइड मिल जाए। अच्छा, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, रोस्टिंग ऑफ ओर फॉलोड बाय रिडक्शन विद कोक इज कॉमनली, है ना, इज कॉमनली यूज्ड और इज कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम कैलमाइन। अच्छा, कैलमाइन क्या होता है भाई आपका,
कैलेमाइन हमारा होता है बच्चों ZnCO3, ठीक है। तो ZnCO3 इसमें तो क्या है, मैं क्यों करवाऊंगा, ये मेरा कार्बोनेट है, मैं इसमें रोस्टिंग क्यों कराऊंगा, मैं क्यों दूंगा इसमें ऑक्सीजन, मैं इसको यहाँ पे तो बच्चों कैल्सिनेशन होगी। रोस्टिंग कब कराते हैं, रोस्टिंग कराओगे आप सल्फाइड टाइप का, वो मुझे ऑक्साइड बनाना है, तब मैं ऑक्सीजन दूंगा सल्फाइड को, वो क्या करेगी इस सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देंगे हम, ठीक है, और अपना मेटल का बन जाएगा, मतलब सल्फर निकल जाएगी SO2 के साथ, मेटल का बन जाएगा बच्चों अपना ऑक्साइड। अच्छा समझ में आ गया, अगर कार्बोनेट है तो मैं कैल्सिनेशन करूंगा और CO2 उड़ाऊंगा और मैं मेटल का बनाऊंगा ऑक्साइड कुछ इस टाइप से, तो यहां पे तो मैं क्या करूंगा बच्चों, रोस्टिंग नहीं करवाऊंगा मैं, कैल्सिनेशन करवाऊंगा, पहला हो गया गलत। स्फेलराइट अगर आपके पास है तो अगर आपको याद हो ये वाली प्रोसेस है ना, जिंक ब्लेंड ZnS, इसी को स्फेलराइट बोलते हैं बच्चों, इसका हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं, आपका क्या बनता है जिंक ऑक्साइड बनता है, प्लस हम SO2 निकाल देते हैं, जिंक ऑक्साइड जो बना है, फिर इसका आप कार्बन रिडक्शन करोगे, है ना। बस इसमें एक बात ये होती है, जब अपन जिंक ऑक्साइड की जब कार्बन रिडक्शन करते हैं तो लिंगम डायग्राम में इसकी जो लाइन क्रॉस करती है, इसकी जो लाइन क्रॉस करती है बच्चों वो कैसे करती है आपकी, आप ऐसे समझिए, ठीक है, ये तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जिंक वाले का, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, और ये अपनी सी से सीओ की लाइन, तो ये तब क्रॉस करती है जब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस हो चुका होता है, तो उस वजह से अपने को जो है जिंक जो है वो आपको वेपर फॉर्म में मिलेगा, लेकिन हम चिलर वगैरह लगा के क्या उसको फिर दोबारा हम उसको लिक्विड बना लेते हैं और वहां से अपन सॉलिड अपने को मिल जाता है, ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन क्या करवाते हैं हम इसमें, अपन क्या करवाएंगे बच्चों, रोस्टिंग करवाएंगे, ऑक्साइड मिलेगा, फिर कार्बन रिडक्शन करवाएंगे और अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को जिंक मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप ऑप्शन सी देखो तो बोला है भाई सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट क्या है बच्चों आपका Ag2S, भाई इसके लिए तो अपन क्या करवाते हैं साइनाइड प्रोसेस करवाते हैं, है ना, Ag2S है, हम क्या करवाते हैं अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaCN से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों देते हैं, अगर आपको मान लो मेटल प्योर फॉर्म में हो, मतलब मेटल आपको M मिलता, तब अपन ऑक्सीजन यूज करते हैं ताकि आप इस मेटल को क्या कर पाओ, है ना, इसका ऑक्सीडेशन कर पाओ, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी प्लस वन में है, फिर भी हम O2 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो आपका सल्फाइड है S2- हमें उसको ऑक्सीडाइज करना है, क्योंकि Ag की सल्फाइड के लिए एफिनिटी काफी ज्यादा है, तो अगर सल्फाइड रहा तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सल्फर यार SO2 बन जाए, है ना, या फिर सल्फर बन जाए लेकिन ये सल्फाइड ना रहे, इसलिए अपन ऑक्सीजन यूज करते हैं। आपने NaCN यूज किया, आपको मिलेगा मेटल MCN twice और माइनस, ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसके बाद अपन क्या करते हैं MCN2-, इसकी रिएक्शन आप जिंक से करवाते हो, है ना, जिंक की एफिनिटी ज्यादा है तो जिंक क्या करेगा बच्चों, यहां से जिंक अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा ZnCN4, है ना, कुछ K3 इस टाइप का जिंक अपना बनाएगा, नॉट K3 बच्चों, K2 ZnCN4 इस टाइप का जिंक अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा और आपको मेटल जो यहां से मिल जाएगा। कहने का मतलब ये अपन क्या है साइनाइड प्रोसेस यूज करते हैं किसके लिए, अर्जेंटाइट से सिल्वर निकालने के लिए। अच्छा कैल्शियम फ्रॉम डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या है भाई आपका, डोलोमाइट आपका है बच्चों CaMgCO3 ट्वाइस। अब भाई ये तो सेम बात है, यहाँ पे कार्बोनेट है तो मैं यहाँ पे पार्शियल रोस्ट, यहाँ पे क्या बच्चों रोस्टिंग नहीं करूंगा, यहाँ पे क्या है रोस्टिंग करने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी कार्बोनेट है तो आप क्या करोगे यहाँ पे कैल्सिनेशन टाइप करा सकते हो, लेकिन रोस्टिंग कराने का कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं है। अच्छा चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 इसी का पार्ट है, क्या पूछा है आपसे 16 में आपको बोला गया है, इसमें दो तीन क्या है आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, तो ब्लैंक है ना कुछ खाली जगह, इस चार्ज इनटू सिलिका लाइंड कन्वर्टर, अच्छा एंड हॉट एयर ब्लास्ट इज ब्लोन टू कन्वर्ट द फिर ब्लैंक है टू मेटालिक फॉर्म। भाई मतलब आपने किसी एक कन्वर्टर में जिसमें सिलिका की लाइनिंग लगी हुई है उसमें आपने कुछ डाला, ठीक है, हॉट एयर ब्लास्ट आपने वहां से करवाई, ठीक है, और कुछ बना आपका है ना मेटालिक फॉर्म मिली और फिर उसको आपने सोलिडिफाइड करवाया तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये दो तीन चीजें हमें करनी है। तो अगर आप और ऑप्शन देखो है ना तो आपको दिख रहा है यार ये तो कॉपर मेट वाला बात हो रही है, मतलब आपका जो CuFeS2 होता है कॉपर पाइराइट, तो वहां से कॉपर निकालने की प्रोसेस की बात है ये, ठीक है, कैसे करते हैं हम अगर आपको याद हो तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, आपके पास CuFeS2 होता है ना सल्फाइड का ओर है, आप इसका फ्लोसफोरेटेशन कराते हो, आपको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिलता है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर आपको मिला, उसके बाद हम क्या कराते हैं, उसके बाद इसकी हम पार्शियल रोस्टिंग कराते हैं, आप इसकी पार्शियल रोस्टिंग कराओगे तो क्या होगा बच्चों आपका Cu2S मिलता है, प्लस अपने को क्या मिलता है FeS मिलेगा, पहले SO2 मिल जाएगा, ठीक है, SO2 ये सल्फाइड अपना SO2 बन के उड़ जाएगा, इसके बाद इसमें आपने ऑक्सीजन डाली क्या होगा आपको मिलेगा
अब CU2H जब वो भी CU2O में जा रहा होगा प्लस आपका SO2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ठीक है, हम इतनी देते हैं कि यार ये फेरस है वो ऑक्साइड बना ले, ठीक है, हम इतनी देते हैं कि यार ये ऑक्साइड बना ले FeO प्लस SO2, और फिर इस FeO को अपन क्या करेंगे SiO2 के साथ रिएक्ट करवा के यहाँ पे FeSiO3 का स्लैग बना देंगे, क्योंकि ये आपका मेटल ऑक्साइड है, ये आपका बेसिक है, एसिडिक इंप्योरिटी डाली, स्लैग बना, इसको अपन बाहर निकाल देंगे, ठीक है। मुझे चाहिए कॉपर, तो अपन उतनी डाल देंगे, ये रिएक्ट कर जाए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, ये रिएक्ट नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको रिएक्ट करने दो, ये रिएक्ट कर भी जाता है CU2O, लेकिन अगर FeS बच गया वो दोबारा क्या करेगा बच्चों, इससे ऑक्सीजन छीन लेगा और आपको दोबारा CU2S प्लस FeS मिलेगा। तो इस रोस्टिंग वाली प्रोसेस के बाद अपने को मिलता है, क्या मिलता है अपने को, मिलता है यार CU2S प्लस FeS, ये मिला। फिर हम इसको एक बेसिक कन्वर्टर में डालते हैं, सिलिका की लाइनिंग होती है, दोबारा इसका बच्चों इस बार अपन क्या करवाते हैं यहाँ पे, अब ये सेल्फ रिडक्शन वाली प्रोसेस यहाँ पे होती है भाई, यहाँ पे कॉपर मेट है ये आपको 98% ये मिल जाता है, 2% आपका ये होता है। यहाँ पे क्या होगा दोबारा FeO प्लस SO2, FeO का स्लैग बनाएंगे, बाहर निकाल देंगे, यहां से अपन इसका क्या बच्चों ऑक्सीजन पूरी सप्लाई नहीं करते हैं, है ना, थोड़ी कम करते हैं, जितनी जरूरत है उससे कम, उससे क्या होगा CU2O बनेगा और CU2S भी है, ये अपना सेल्फ रिडक्शन करेगा, और सेल्फ रिडक्शन करेगा तो आपको SO2 मिलेगी प्लस आपको कॉपर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहां से SO2 निकलती है तो ये कॉपर आपका ब्लिस्टर कॉपर रहता है, फफोलेदार टाइप, है ना, इसकी सरफेस पे कुछ इस टाइप का बच्चों आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि SO2 गैस निकल रही है इस कॉपर से, तो क्या होगा वो एक ब्लिस्टरी अपीयरेंस आपको बच्चों यहां पे मिलेगी। अच्छा, तो हमने कहा भाई क्या था आपके पास, तो पहले वाले से हमें जो मिला CU2S प्लस FeS जो मिला, कॉपर मेट आपको मिलता है, ठीक है, उस कॉपर मेट को हमने क्या किया फिर बेसेमर कन्वर्टर में डाला, और आपको क्या मिलेगा वहां से, है ना, तो यही बोला है कि भाई किसको हमने सिलिका कन्वर्टर में डाला, किसको डाला, है ना, कॉपर मेट को। फिर क्या होगा, हॉट एयर हमने क्या करवाई, फ्लो करवाई वहां से, आपको क्या मिलेगा वहां से, वहां से बच्चों आपको CU2S प्लस CuO, ये तो FeO बन गया, स्लैग बना के बाहर निकाला, ये मिलेगा हमें, फिर पार्शियल रिडक्शन उसका हो जाएगा और अपने को मिलेगा ब्लिस्टर कॉपर। तो आप देखो कॉपर मेट CU2S CU2O एंड ब्लिस्टर कॉपर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे होगा। चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन जो है ना, इसमें क्या है आपके चार इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है और वो हमें सोल्व करने हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल टाइप में पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है केमिकल इक्विलिब्रियम से है, ठीक है, क्या बोला गया आपको, आपको बोला गया है एक रिएक्शन हो रही है किस टाइप से, 2A गैसियस, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद योर बी गैसियस प्लस 3C गैसियस, फाइन, ऑल्सो इट इज गिवन दैट वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व टू बी 25, ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द केसी, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज गिवन एट गिवन ए 70, Also, what is given is the volume of container is given as 2.2 liter and temperature is given as 300 Kelvin. Fine. क्या करेंगे भाई? आपको दी गई vapor density कितनी है? 25, right? कैसे करेंगे? तो your 2A is in equilibrium with B plus 3C. Also, one mole is given, right? N equal to 1. No problem. So one mole is given, let's assume the dissociation is alpha, 1 minus alpha, यहाँ दो मोल से एक बन रहा है, so B will be alpha by 2 and C will be 3 alpha by 2, total moles if you see at equilibrium would be 1 minus alpha plus alpha by 2 plus 3 alpha by 2, this would be nothing but 1 plus alpha, okay, how will we define the average molecular weight, you can say at equilibrium, by what we know is that moles is equal to mass by molecular weight. Okay. We need to find the average molecular weight at equilibrium. So, आपका जो average molecular weight होगा, that would be mass. Mass would be 1 mole. Initially, we had 1 mole, right? And molecular weight was 70. So, basically, we had 70 grams. So, you had 70 by total number of moles at equilibrium is nothing but 1 plus alpha. So, this would be our average molecular weight. And also what is given to us is vapor density, right? Vapor density is nothing but density of a substance with respect to density of a gas with respect to hydrogen, right? So, आप कह सकते हो vapor density, also what you can say is PV equals to nRT, n is nothing but mass by molecular weight.
PM by RT is your M by V and that is nothing but rho. Okay, so for any gas, the vapor density or density would be, the ratio of density of a particular gas with respect to hydrogen. So density of the particular gas would be PM of gas by RT at a particular temperature and pressure. So pressure and temperature are same, molecular weight of hydrogen is 2 by RT, this will cancel out. What will be with us is vapor density is molecular weight of that gas by 2, right? So molecular weight is nothing but 2 into vapor density. Vapor density is given 25, so molecular weight would be 50. So this is given to us as 50. So your 50 is 70 by 1 plus alpha. So your 1 plus alpha is 7 by 5. So alpha is nothing but 2 by 5, right? Okay. We have to calculate the Kc for the reaction. Okay, what would be the Kc for the reaction? So Kc for reaction would be, यहाँ पे कर लेते हैं, so Kc for reaction would be, what we know is 1 minus alpha, alpha by 2, 3 alpha by 2, these are the number of moles present at equilibrium, alpha is 2 by 5, so basically number of moles of A are 3 by 5, okay, alpha is 2 by 5, so number of moles of B are 1 by 5, and this would be 3 by 5, right? Okay. Also, Kc would be concentration of B into concentration of C to power cube divided by concentration of A ka square. Now, concentration would be number of moles by volume. Number of moles of B are 1 by 5 into volume is 0.2. This is already given to us. Number of moles of C are 3 by 5 into 0.2. to the whole power cube, also number of moles are also 3 by 5 into 0.2 to the power 2. Okay, when you will solve this expression, what you will get is, okay, let's try solving this expression. This is nothing but 3 into 3 into 3 divided by your 5 into 0.2 into, this is 5, right? So your 5 into 5 into 5 into 0.2 into 0.2 into 0.2. Okay. This will go up 5 into 5 into 0.2 into 0.2 into 3 into 3. Right. So I will solve this expression 3 3 3 3 5 5 5 5. Right. 0.2 0.2 0.2 0.2. So we are left with 0.6, not 0.6, simply 3 by, we are left with, this is simply 1, 5, this is also 1, okay, so by 1, so the answer would be 3, so Kc for the reaction is 3, okay, moving forward to question number 2, so question number 2 is from stereoisomerism, and I think this question has already been asked in JEE, so JEE has already asked this question, and if you see the compound, you have 2 chiral centers and one double bond in the compound. Question number 2, what is given to us is this compound CH3CHOH, C double bond C, C pe H, OH and CH3. Okay, yahan pe apne paas double bond hai. So this double bond can, this can be either cis or trans, right? Because we have one H at both the carbons and then there is this group which is similar, right? So these, both of these groups are similar. So this can be, the stereochemistry around this can be cis or trans, ठीक है? और यहाँ पे ये आपका हो सकता है R हो सकता है या फिर S हो सकता है. Similarly ये भी R हो सकता है, S हो सकता है. तो case बनाते हैं. अगर ये R है और वो भी R है, ठीक है? और बीच में अगर cis है, तो अब हमें एक बात पता है कि अगर cis है तो कैसी रहेगी इसकी, ऐसा रहेगा कुछ कि भाई C इस पे तीन ग्रुप्स लगे हैं, C डबल बॉन्ड C, इस C पे तीन बच्चों ग्रुप्स लगे हैं, तो यहां पे अब आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो नहीं सकती, है ना? क्योंकि भाई इसके अक्रॉस अगर आप इधर जाओगे तो इधर कुछ नहीं मिल रहा है ना, इधर नहीं जा सकते, आपको एक लाइन में मूव करना होता है. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैन नॉट बी प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, राइट? द ओनली थिंग दैट कैन बी प्रेजेंट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. लेकिन बस बोथ द ग्रुप्स हैव आर आर, राइट? इफ दिस इज आर, ओके, and this is mirrored, so this will have S stereochemistry,
राइट भाई, आर की क्या बनती है आपकी एस बनती है, आपकी आर 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 की मिरर इमेज आपकी आर नहीं हो सकती है, आर की एस ही होगी। तो आर की अगर आर है तो इसमें पीओएस भी नहीं है सीओएस भी नहीं है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा अगर ये आर हो गया और ये एस हो गया और स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर अभी भी सिन है सिस है तो अब क्या होगा, अब आर की आपकी जो ये एस है ये आपकी क्या है बच्चे, इस कंपाउंड में अभी पीओएस प्रेजेंट है ठीक है। अच्छा अगर आर है, आर है और ट्रांस है राइट, अगर आर है और ट्रांस है, चौथा बचता है आपका आर है ट्रांस है और आपका एस है। अच्छा तो बच्चों अगर आपकी सीओएस में भी, आपके सीओएस में भी क्या होगा, आपकी आर की, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं यार सी डबल बॉन्ड सी और यहां पे सी पे क्या है तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, और यहां पे सी पे क्या है आपके तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला इसकी मिरर इमेज है, अगर मिरर इमेज है मतलब OH के सामने OH होगा, CH3 के सामने CH3 होगा और H के सामने H होगा ठीक है। तो अगर OH के सामने OH है ठीक है और CH3 के सामने CH3 है, और अगर आपका, आप इसको ऐसा समझिए बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना आपके लिए ठीक है, अगर आपका इसके सामने ये है दोनों सेम ग्रुप है ठीक है, यहां पे मान लो ए है ए है, यहां पे आपका बी है बी है, यहां पे सी है सी है, तो अगर आप इसको 180 से घुमाओगे तो ए के ऑपोजिट में ए होगा, बी के ऑपोजिट में बी, सी के ऑपोजिट में सी होगा। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर एक आर है और एक एस है तो वो दोनों में बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि अगर मैंने इसको इसको अगर मैंने 180 से घुमाया तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे सीओएस मिल जाएगी, और ये तो ऑलरेडी एक दूसरे के एंटी में प्रेजेंट है, क्योंकि इस बार स्टीरियोकेमिस्ट्री इज डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है बच्चों ट्रांस है। तो मतलब मेरी आर और एस में क्या मिलेगी मुझे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आर और एस में अगर ट्रांस है तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, तो ये ऑप्टिकली नेगेटिव हो गया। लेकिन जब आपका आर आर और ट्रांस है तो आपकी पीओएस तो हो ही नहीं सकती और सीओएस भी आपकी नहीं मिलेगी, तो ये भी बच्चों आपका क्या है ऑप्टिकली एक्टिव वाला केस है। तो अगर ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और एक ये ऑप्टिकली एक्टिव था राइट, तो आपको दो केस मिल रहे हैं बच्चों किसके, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक इनांशियोमर भी प्रेजेंट होगा आपके पास ठीक है, जो कि क्या होगा इसका आपके पास एक इनांशियोमर भी प्रेजेंट होगा और जो होगा आपका एस सिस एस, तो ये वाला इनांशियोमर भी आपके पास बच्चों इस वाले का होगा। इसी तरीके से इसका भी एक इनांशियोमर आपके पास होगा एस ट्रांस एस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स राइट स्ट्रक्चर्स फॉर दिस वुड बी फोर, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव राइट दिस वुड बी नथिंग बट फोर। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, पूछा गया है हाउ मेनी इनांशियोमेरिक पेयर्स आर फॉर्म्ड ऑन मोनोक्लोरीनेशन ऑफ थ्री मिथाइल पेंटेन। चलो कैसे करेंगे भाई, थ्री मिथाइल पेंटेन आपको बोला गया है और हमें पूछा गया है क्या इनांशियोमेरिक पेयर ऑन मोनोक्लोरीनेशन ऑफ दैट कंपाउंड। चलो भाई क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री मिथाइल पेंटेन, दिस इज योर थ्री मिथाइल पेंटेन, हम कर रहे हैं मोनो क्लोरिनेशन। अच्छा अब मोनो क्लोरिनेशन करोगे आपका एक सीएल यहां पे आ सकता है, अगर आपका सीएल यहां पे आया तो ये वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये वाला आपका कायल बन जाएगा, चार ग्रुप अलग अलग है, एक एच है एक सी एस थ्री है एक सी टू एच फाइव है और ये भी अलग बन गया ठीक है, तो आपको मिल गया एक ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा है ना, इनांशियोमेरिक पेयर पूछा है तो पेयर में हम इसको एक काउंट करेंगे। अच्छा अगर यहां पे ना लग के यहां पे लगा तो बच्चों ये भी कायल ये भी कायल आपको दो पेयर मिलेंगे है ना भाई, ये आर एस हो सकता है और ये आपका आर डैश एस डैश हो सकता है, तो एक आपको मिलेगा आर आर डैश, एक इसी का एस एस डैश, या मिल सकता है आर एस डैश और ये हो जाएगा एस आर डैश, तो आपको बेसिकली दो इनांशियोमेरिक पेयर मिलेंगे, तो यहां पे मिलेंगे दो। अच्छा अगर यहां पे ना लग के इस पे लगता है तो मतलब हम कह रहे हैं सी 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 सी, यहां पे आपका सी है यहां पे सी एल लगा, ये बच्चों में कायरल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ग्रुप आपके सेम है तो यहां पे कायरलिटी नहीं होगी, और अब आप इधर लगा नहीं सकते क्योंकि ये दोनों तो सेम ही थे, हम ऑलरेडी वो केस सारे ले चुके हैं, तो यही है बस आपके, तो आपके कितने पेयर होंगे बच्चों यहां पे तीन पेयर। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा गया है ना कुछ पांच रिएक्शन है और सबने पूछा है प्रोडक्ट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उनका सम बताना है ठीक है, काफी आसान सवाल है फटाफट करते हैं। तो आपका क्या है बच्चों Mn आपका प्लस टू में है प्लस आपके पास है H2O8 2 माइनस, तो यहां से आप एसिडिक मीडियम दोगे
ये बेचारा किसमें चला जाएगा, SO4 2 माइनस, ठीक है। अच्छा अगर आप दूसरी रिएक्शन को देखो, Cr2 7 2 माइनस, प्लस आपके पास क्या है बच्चों, SO3 2 माइनस। अगर आप यहाँ पे H प्लस दोगे तो मतलब आप देख सकते हो कितना है भाई, ये आपका किसमें है भाई, ये आपका प्लस सिक्स में है, ठीक है, ये प्लस सिक्स में है और ये आपका किसमें है भाई, SO3 2 माइनस 6, तो ये आपका प्लस फोर में है, तो ये आपका रिड्यूस होगा, ये आपका ऑक्सीडाइज होगा, तो अगेन ये जाएगा आपका सल्फेट में, है ना, यहाँ पे चला गया प्लस सिक्स में, और क्रोमियम आपका जाएगा बच्चों प्लस थ्री में। तीसरी की बात कीजिए आप, Mn आपका है प्लस सेवन में, ठीक है, Mn है प्लस सेवन में, और आपका H2O3 2 माइनस, ये बच्चों एवरेज इसकी प्लस टू है, एक जीरो में होगा एक फोर में होगा, लेकिन एवरेज कितनी है यहाँ पे, प्लस टू कह सकते हैं हम। और बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में आपका Mn जाएगा किसमें बच्चों, Mn आपका यहाँ पे प्लस फोर में जाएगा बेसिक मीडियम में, तो और आपको यहाँ पे लेकिन हमें Mn के बारे में चिंता नहीं करनी है, और यहाँ पे ये प्लस टू चलाएगा बच्चों प्लस सिक्स में, तो ये चला जाएगा आपका सल्फेट में। अगेन अगर आप बात करो फोर्थ इक्वेशन की, तो फोर्थ आपको दिया गया है Mn, Mn आपका अगेन प्लस सेवन में है, और आपका H2S है, और वो आपका एसिडिक मीडियम है, ये आपका किसमें बच्चों, ये आपका प्लस सेवन में है, ठीक है, प्लस सेवन में है H2S, यहाँ पे सल्फाइड है ना, ये सल्फर आपका माइनस टू में है, तो सल्फर चला जाएगा बच्चों माइनस टू में, तो ये जीरो में जाएगा, और Mn आपका जाएगा बच्चों प्लस टू में जाएगा। बात करते हैं फिफ्थ की, फिफ्थ में अगेन आपका Mn जो है प्लस सेवन में है, प्लस आपके पास सल्फर प्लस फोर में, SO2 आपको दिया गया है, एसिडिक मीडियम है, Mn आपका चला जाएगा प्लस टू में, प्लस आपका सल्फर चला जाएगा बच्चों प्लस सिक्स में, वो SO3, तो ये चला गया प्लस सिक्स में, ये चला गया जीरो में, और ये चला गया प्लस सिक्स में, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिक मीडियम Mn चला गया प्लस फोर में। अच्छा ये दोबारा क्रोमियम प्लस सिक्स से चला गया प्लस थ्री में एसिडिक मीडियम में, और सल्फेट ये अपना सल्फर चला गया प्लस सिक्स में, और ये भी अपना किसमें है बच्चों प्लस सिक्स में है, ठीक है, ए प्लस सिक्स में, ए प्लस सिक्स में, तो कितना हो गया आपका, तो चार हो गए आपके बच्चों यहाँ पे, 6 4 24 आपका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पेपर टू का डिस्कशन समाप्त होता है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक अपना जो अल्काइन वाला CF3 वाला क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा मतलब मैंने अलग आंसर बताया है, ठीक है, आपके ऑप्शन में अलग दिया हुआ है पेपर आंसर की में, तो वो आप एक बार ऐसे डिस्कस करना। बाकी बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय।